सो गाइस अगर आपकी एज 16 टू 20 के बीच में है एंड आपका हेयर लॉस हो रहा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका हेयर लॉस का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा एंड साथ साथ बहुत सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो में मिलने वाला है। सो गाइस इस वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगा हेयर लॉस से रिलेटेड 16 टू 20 एज के बंदे के लिए, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, किस बात को मिस मत करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो एंड इस बंदे को पहली बार देख रहे हो तो जरूर जल्दी जल्दी सब्सक्राइब मारो एंड बेल आइकन जरूर दबा देना। सो गाइस आप में से बहुत सारे बंदे हेयर लॉस का सॉल्यूशन के लिए बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो सर्च मारते हो एंड बहुत सारे वीडियो देख चुके हो एंड आपका हेयर लॉस ठीक ही नहीं हो रहा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको जानना पड़ेगा हेयर लॉस का मतलब क्या होता है, मीन्स हेयर लॉस एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि 16 टू 20 के एज में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं अपने बॉडी में एंड उस हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपका हेयर फॉल होता है। तो अगर आप इस एज से गुजर जाओगे तो आपका हेयर फॉल भी ठीक हो जाएगा एंड बहुत जन का हेयर फॉल होते रहता है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना क्योंकि मैंने आपको फुल इन्फॉर्मेशन दिया कि हेयर लॉस होता क्या है, तब जाके इसका सॉल्यूशन ढूंढना आप। सो गाइस सबसे पहली बात मैं क्लियर कर दूं हेयर लॉस होता क्या, यानी कि हेयर लॉस किस चीज को बोलते हैं, तो हेयर लॉस उसे बोलते हैं अगर आपके स्कैल्प से 100 से लेकर 150 तक के बाल अगर एक दिन में आ जाते आपके हाथ में या आप कॉम करते हो तो उसे हेयर लॉस बोलते हैं। एंड साथ साथ मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ जिसमें आप फंसे रहते हो एंड साथ साथ बहुत ज्यादा टेंस लेते हो एंड टेंस लेने की वजह से भी हेयर लॉस होता है। नंबर वन, 16 टू 20 एज के बीच में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हमारे ओवरऑल बॉडी का ग्रोथ होता है, उस वजह से होता है कि आप ग्रूमिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो एंड ग्रूमिंग करने के लिए अपने हेयर को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, यानी कि कुछ हो या ना हो हमारे बॉडी में बट हमारा हेयर तो सेट रहना ही चाहिए। तो आप कहीं पे भी जाते हो तो क्या करते हो, पहली बात कुछ हो या ना हो अपने हाथ को अपने हेयर पूरा ऐसे सटा के जोर से आप ऊपर करते हो जिससे क्या लगता है कि आपका हेयर सेट हो जाएगा, यानी कि आप जैसे हेयर कॉम किए थे वैसे हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एंड साथ साथ आप इतने जोर से अपने हेयर को टांगते हो जिससे क्या होता है वो रूट से टूट जाता है जो कि वो नहीं टूटने वाला रहता है। तो अगर आप इसे करते हो तो इसे करना बंद कर दो, क्योंकि अगर ऐसे करते रहोगे जो आपका हेयर नहीं भी टूटने वाला रहेगा ना वो भी कमजोर हो जाएगा एंड उसका रूट भी कमजोर हो जाएगा, साथ साथ उसके बगल वाले हेयर को भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसे जरूर जरूर ध्यान रखना एंड अगर आप ये करते हो तो इसे जल्दी जल्दी सुधारो। नंबर टू, 16 टू 20 एज के अंदर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया था, तो आप क्या करते हो ग्रूमिंग में आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, उसकी वजह से क्या करते हो आप बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हो, यानी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करते हो अपने हेयर को सेट करने के लिए, यानी कि अपने हेयर के ऊपर वैक्स जेल अप्लाई करते रहते हो, तो उससे क्या होता है आपका हेयर बहुत ही ज्यादा थिन होता है, धीरे धीरे वो आपका हेयर फॉल होने वाला भी नहीं होता तो वो भी हेयर फॉल होने लग जाता है। तो अगर आप इस एज में हो एंड आपको हेयर प्रोडक्ट चूज कर, सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप फेस का भी केयर करो या अपने हेयर का केयर करो तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा आपके फेस वॉश या आपके हेयर प्रोडक्ट में SLSM पैराबिन है या नहीं है। अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज करना उसमें जरूर जरूर देखना अगर SLSM पैराबिन है तो उसे बाय मत कर, एंड अगर आपको SLSM पैराबिन का मतलब पता नहीं तो मैंने इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो उस वीडियो को। तो मैं आपको बता दूं तो बस न्यू आपके बॉडी में चेंज होता है उसकी वजह से क्या करते हो आप कुछ भी चीज ट्राई मार देते हो उसके बारे में अच्छे से जानते नहीं हो, उसके बारे में अच्छे से जानना आपको पसंद नहीं रहता, यानी कि भाई छोड़ नहीं यार ले लेते क्या होता है, टीवी में तो ऐड दिखाता है कि इससे वर्क करता है यानी कि आपका हेयर सेट होता है एंड ये होता है वो होता है, उससे पहले आपको SLS एंड पैराबिन के बारे में जानना पड़ेगा। तो वैसे जितने सारी चीज मैंने आपको बताया ये होता है आपका हेयर फॉल का मतलब, तो हेयर फॉल का मतलब आप समझ गए हो कि हेयर फॉल मतलब होता क्या है। सो वैसे अगर आपको जानना है कि आपका हेयर फॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं तो मैंने उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो ले आऊंगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब मारना पड़ेगा एंड बेल आइकन भी जरूर दबा देना, क्या करना है प्यारा सा कमेंट नीचे करते हुए जाना।